ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਟ ਹੋ ਗਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਨੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਬਾਨੀ ਰਿਐਕਟਸ ਤੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਖਿਸਾਰੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਿਊ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਗਲਤ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਟੀਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਟੀਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭੋਜਪੁਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿਸਾਰੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਗੋ क्योंकि रिस्क तो था सर 30,000 फीट गहरा समुंदर में उतरना ये सीन बहुत प्यारा था और जबकि मैं जस्टिक सिर्फ देखा था कभी कभी हाँ। चलाया तो था ही नहीं मैं जब रात में आया होटल पे तो चंदा ने बोला क्योंकि वाइफ और बच्चे गए ही थे तो चंदा बोली कि आप इतना बड़ा रिस्क ले लिया आप एक बार भी नहीं सोचे कि अगर आपको कुछ हो जाता तो हम लोग का क्या होता हम कहें कि देखो ये जिंदगी जो मेरी है वो मेरी जनता के लिए है और मेरे काम के लिए क्योंकि मैं जब शादी हुई थी तो हम तुम्हारे थे लेकिन आज तुम्हारे होते हुए भी मैं हम बहुत लोगों के हैं और बहुत लोगों की आशाओं में हैं बहुत लोगों के दिल के धड़कन हैं तो हमें उनके लिए भी कभी कभी अपने आप को रिस्क में डालना होता है। एक बंदा भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर बेहतरीन फिल्में लाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डालकर सीन शूट करता है और उसी भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ लोग या फिर कहें खेसारी लाल यादव के विरोधी लोग उसकी मूवी के टीजर का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने टीजर में खेसारी लाल यादव का ये समुद्र वाला सीन देखा हो तो मैं आपको बता दूं इस सीन को शूट करते समय खेसारी लाल यादव की जान भी जा सकती है क्योंकि खेसारी लाल यादव ने इस सीन को जिस समुद्र के अंदर शूट किया है उस समुद्र की गहराई है 30,000 फीट और इसको शूट करने के लिए खेसारी लाल यादव ने किसी भी प्रोटेक्शन का सहारा नहीं लिया था। वैसे दोस्तों खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलने के लिए इतना ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी जान तक की बाजी लगा दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या बात है यार, मतलब यार ये बात बिल्कुल सही है कि है ना, मतलब खेसारी यादव अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया कर रहे हैं जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, बाकी कुछ लोग है क्या कि चलो जो है ना गलत है ना रिव्यू देते हैं या कुछ गलत बोल रहे हैं इसके बारे में, बट ये सही नहीं है यार। जरूरी नहीं है कि चलो छोटी मोटी चीजें है ना कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है ना, ये छोटी मोटी चीजें हैं हर हर इंडस्ट्री में ये चीज चलती रहती है, बट मेनली बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर आगे लेके जाना है तो सपोर्ट करो यार, क्योंकि ऐसी मूवी मेरे हिसाब से अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में बनी नहीं है एंड बहुत जबरदस्त मूवी होने वाली है क्योंकि इसका भी ट्रेलर का वेट कर रही है। जब ट्रेलर आएगा प्रॉपरली फिर समझ में आएगा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या है मूवी का। बाकी ऑल ओवर मेरे को टीजर बहुत अच्छा लगा था, अगर आपने टीजर वाला रिएक्शन नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। अभी हमने कल ही है ना रिएक्शन दिया है संघर्ष 2 के टीजर पर, बाकी आप लोग जाके देखिए एंड एंजॉय कीजिए एंड सो यार आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अनदर रिएक्शन पर, धन्यवाद।